हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाए राइट क्लिक सब्सक्राइब के बटन को और पास ही के बेल के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होती उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का संडे क्यू एन ए वीडियो के एक और एपिसोड में। आज हर बार की तरह बहुत सारे प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रिंटर के मेरे सारे वीडियो पहले देख लो, फिर आप इस पे वीडियोस की रिक्वेस्ट किया करो, क्योंकि फिर मैं मना भी नहीं किया जाता, मेरे से मैं वीडियो लेके आता हूँ हर बार, तो ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मेरे को एक ही संडे मिलता है, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, उसमें फिर मैं हर बार क्यू एन ए वीडियो लेके आऊँगा, तो ऐसे काम हो नहीं पाएगा। इसलिए आप मेरे सारे वीडियोज़ देख लीजिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, क्योंकि फिर अगर कुछ 10-15 लाइक हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो की तैयारी के लिए। इसलिए इस वीडियो ज़रूर से लाइक करना। और आगे अपन अब तक कमेंट है, मेरे प्रिंटर में यूज़ ओनली कार्टेज शो हो रहा है क्यों, ये CIWS इंस्टॉल करने के बाद पूछ रहे हैं। तो देखिए मेरे वाले में खुद में आ रहा है, पहले जब उस टाइम एकदम सक्सेसफुली हो गया था, फिर मैंने आराम से 30-40 दिन आराम से सही रहा था, फिर अब मेरे वाले में भी आ रहा है यूज़ ओरिजिनल कार्टेज, लेकिन वहाँ पे आप स्किप करके सीधा उसको प्रिंट निकालेंगे आ जाएगा प्रिंट, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर HP वाले में CIWS बहुत कम चांस है कि सक्सेस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है भाई मेरे प्रिंटर में वाईफाई प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद वो PC से कनेक्ट नहीं हो रहा है जो पहले होता था, ऐसा तो नहीं है शायद आप में कोई एक दो बार हुआ होगा, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मैं कनेक्ट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर उन्होंने लिखा है सुपर, तो आपको थैंक यू। फिर उन्होंने लिखा है रियली नाइस, मज़ा आ गया, आपको भी थैंक यू सो मच। फिर मेरा ही है ये सेकंड, उन्होंने लिंक मांगे थे जो मैंने इनको दे दी, उन्होंने लिखा है थैंक्स, तो आपको वेलकम। हाँ यहाँ से वो क्वेश्चन आता है, तो इनका मैं लास्ट में रिप्लाई दूंगा। लेमिनेटेड आईडी कार्ड से रिलेटेड पूछा था इन्होंने कि इनको जो आईडी कार्ड है उन्होंने लेमिनेशन करा रखा है, तो वो स्कैन करके इसको डालना चाहते हैं क्लाउड स्टोरेज पे, तो वो कैसे करें। मैंने कहा था उनको कि आप क्रॉप कर लीजिए और दो अलग अलग स्कैन होगा क्योंकि डुप्लेक्स का ऑप्शन नहीं है आपको, फिर उनको आपस में कनेक्ट कर लीजिए। इन्होंने कहा कि एक वीडियो बनाइए, तो आपको मैं लास्ट में वीडियो देता हूँ, बाकी लोगों को जिनको ये नहीं है पूछना तो उनका मैं रिप्लाई पहले कर देता हूँ। फिर इन्होंने लिखा है मेरे विंडो 10 में एक्सेल, हाँ इनको मैं बता दिया अभी, मैंने देखा नहीं इनका। हाँ इन्होंने प्रिंटिंग कॉस्ट मांगी है HP 2135 प्रिंटर की पर पेज, तो इनको मैंने बता दिया जो कलर पेज है वो 3.66 रुपए के हिसाब से आपका पर पेज होगा और ब्लैक होगा 1.15 रुपीज़ के, ये मैंने जितनी भी कॉस्ट बताई है आपको ISO के अकॉर्डिंग बताई है। और इन्होंने लिखा थैंक यू ब्रो, वेलकम ब्रो, हाउ टू रिसेट 680 कार्टेज इंक लेवल आफ्टर CIWS इंस्टॉल। तो देखिए CI का ये मेरे को कार्टेज के जो लेवल है रिसेट करने के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है, जब मेरे को पता चलेगा ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि CIWS में अलग रिसेट होगा, पूरी कार्टेज रिसेट का एक ही होता है, अब तक मेरे को कोई नॉलेज मिला नहीं इस बारे में, मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सर्च किया ऐसा कुछ होता नहीं है। और आगे इन्होंने सर प्लीज़ लिंक फॉर परचेसिंग CIWS किट प्लीज़, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि सर तो मुझे बोला मत करो क्योंकि हम सब भाई लोग हैं, और जो लिंक की बात था वो मैंने आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वीडियो के, और काफ़ी जगह शायद आप लोगों ने मांगी थी तो मैंने दे दी है लिंक, बार बार कहाँ पे लिंक देंगे। इन्होंने पूछा इट डज़ नॉट कॉपी एनीथिंग एंड प्रिंटिंग ऑल्सो ऑन प्लेन पेपर, बट व्हेन आई डन प्रिंट कार्टेज शेयर्स इट प्रिंट ऑन पेज, वॉट इज़ द प्रॉब्लम प्लीज़ हेल्प। देखिए आपने रिफ़िल किया होगा और वही प्रॉब्लम आपकी रह रही है, रिफ़िल करने के बाद आपका एक दो बार प्रिंट आता नहीं है, तो आप क्या कीजिए उस कार्टेज के अंदर या कलर नहीं आ रहा तो थोड़ा और रिफ़िल कर लीजिए और थोड़ा पेज के ऊपर रब कीजिए उसको थोड़ी देर, और फूक वगैरह मार के इंक थोड़ी निकलने दीजिए, सक्शन टूल है तो आराम से उसको थोड़ा निकालिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन्होंने लिखा है भाई मुझे प्रिंटर लेना है, कौन सा सही रहेगा, घर के लिए लेना है और फोटोकॉपी करनी है तो किसी भी डॉक्यूमेंट की कैसे करेंगे, एक वीडियो उस पर भी बनाइए। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ कि घर के यूज़ के हिसाब से कौन सा रहेगा, तो देखते हैं अगले संडे तक ये वीडियो तैयार होता है तो अगले संडे को पक्का वीडियो आएगा। मैंने इनको कहा था Q&A में दूंगा, तो मैंने अभी उस टाइम डिसाइड नहीं किया था, कि मैंने सोचा कि सीधा ही बता दूं, आप सोच रहा हूँ कि एक वीडियो लेके आऊं इंकजेट वेज लेज़र कौन सा आपके लिए रहेगा और क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, सोच रहा हूँ एक वीडियो आएगा तब उसमें ही आपको बता देंगे। और भाई इंक कौन सी ले बताइए, थोड़ा मॉडल बताइए कि कौन सी सही रहेगा, अमेज़न या फ्लिपकार्ट की लिंक दे दे जिस पर हम भी ऑनलाइन इंक को यूज़ कर सके। तो देखिए इंक मैंने आपको बताया है मैं ले रहा हूँ अभी तो गो कलर की इंक यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल सही चल रहा है, और मैंने लिंक दे रखी है गो कलर वाले की वीडियो के, लगभग शायद कार्टेज वाले के दी होगी और एक दो वीडियो और उसमें लिंक दी है, और शायद मैं आपको अभी कमेंट में दे दूंगा लिंक। और इन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेट्स ब्रो,
थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा है हाउ टू पे गूगल $10 टू अस। तो देखिए मैंने आपको बताया कि $10 अभी अपने नहीं मिलेंगे, ये $10 पे सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको $100 कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट डालना होता है स्विफ्ट कोड वगैरह डाल के, फिर आपका वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आता है। उन्होंने कहा सर मेरा डेक्सटिंग एडवांटेज से प्रिंटर में पिक नहीं हो रहा है, हाउ टू फिक्स। तो देखिए मैंने वो जो माई एक्सपीरियंस वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था आपको, और अभी बता देता हूँ। जो आपका पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आप पेपर डालते हो, उस साइड एक कोई भी पेंसिल लीजिए, उसके ऊपर कोई सूती कपड़ा लगाइए, हल्का सा गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, और उसको पीछे से साफ़ कर लीजिए। वीडियो में दिखा देता हूँ छोटा सा कैसे करना है, और वैसे कीजिए। मेरे वाले में प्रॉब्लम आया था, मैंने वैसा किया, मैंने ऑनलाइन उसको केयर में बात की थी तो उन्होंने कुछ ट्रबल शूट बताए थे, वो उन्हीं से हो गया। मेरा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, आप भी करके देख लीजिए, बाकी ऑनलाइन आप करवा सकते हैं इसको सही। इन्होंने लिंक पूछी थी 680 के लिए, गो कलर मैंने इनको रिकमेंड की, लिंक भी मैंने इनको बता दी, और इन्होंने पूछा है दिस इज़ अनलेस एंड वॉन्ट वर्क अंटिल इफ़ यू कांट रीसेटिंग लेवल इन HP 335। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप रीसेट नहीं करते तो काम नहीं करेगा, मैं आराम से काम में ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी मैंने कार्टेज एक बार भी रीसेट नहीं किया, और आराम से बहुत सारे मैंने प्रिंट निकाले पिछली कार्टेज से, अब तो मैंने नहीं लगा लिया है। और बाकी आप भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि रीसेट होने बाद नहीं करता, कि बाकी नई खरीद लीजिए, मैं खुद अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि रिफिल वाली कार्टेज में वो मज़ा नहीं आता जो ओरिजिनल कार्टेज का होता है। अब आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन था कि किस तरीके से लेमिनेटेड आईडी कार्ड को हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड में दिखा दूंगा, यहाँ पे छोटा सा जो प्रोसेस हमें करना है, विंडोज फैक्सर स्कैनर आपके पास होगा, वो नहीं है तो आप HP वाला जो ऐप है वो यूज़ कीजिए, और हमें आईडी कार्ड की अलग अलग, मान लीजिए हमारा आईडी कार्ड है तो दोनों साइड की हमें स्कैन कर लेना, आप सिंगल सिंगल स्कैन तो कर ही लेंगे, पहले हम स्कैन कर लेते हैं। चलिए तो चलिए पहले हम जैसे विंडोज़ फैक्सी स्कैनर में आ गए हैं, नीचे जाइए आराम से, और यहाँ पे देखिए विंडोज़ के आइकन पे जाके सर्च कर लीजिए, और HP वाला ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका ऐप होता है HP वाला। मैं अभी विंडोज़ फैक्सी स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर जैसे आपको न्यू स्कैन का जो ऑप्शन है इस पर जाना है और इस पर क्लिक करना है। अब जो हमारा आईडी कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया हमारा आईडी कार्ड है, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों हम स्कैन कर लेते हैं। अब चलिए आ जाते हैं प्रिंटर पर। तो यहाँ पे देखिए अब आपको दोनों साइड करनी है, कैसे ही कर लीजिए क्योंकि हम बाद में क्रॉप कर देंगे। अभी मैं सेंटर में इसको रख के और कंप्यूटर पे न्यू स्कैन पे दबा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम स्कैन पे दबा देते हैं, यहाँ पे आपकी फर्स्ट साइड स्कैन हो जाती है पहले, फिर आपको सेकंड साइड कर लेनी है। मैं एक ही साइड आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड आप अपने हिसाब से कर लीजिए, फिर आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर पर प्रोसेस स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कैसे दोनों करना है। मैं देखिए स्कैन वन स्कैन टू नाम से दोनों को किया सेव, ये आपकी स्कैन वन फाइल है और ये आपकी है स्कैन टू फाइल। तो इन दोनों को हमें अटैच करके बनाना है एक फ़ोटो, यानी दोनों को आपका एक में रखना है। आपने यही कहा था कि आईडी कार्ड में क्या होता है कि दोनों को हमें एक साइड में रखना है, और आप इसको क्लाउड स्टोरेज पर डाल के जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप काम में ले सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे पेंट से करके दिखा रहा हूँ पेंट से कैसे करते हैं, क्योंकि फिर मैं अगर यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो आप बोलोगे कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है। तो यहाँ से देखिए आप पेंट में आ चुके हैं, ऊपर लेफ्ट साइड में जो पेस्ट फ्रॉम का जो आपको ऑप्शन आ रहा है इस पे जाइए, फिर पेस्ट फ्रॉम पे दबाइए, पेस्ट फ्रॉम पे दबाइए, और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे हमने दोनों को डाल रखा है स्कैन वन स्कैन टू। तो पहले उठा लीजिए यहाँ से स्कैन वन, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी साइज आएगी पहले, इसलिए ऊपर देखिए रिसाइज का जो बटन है इस पे दबाइए। रिसाइज पे दबाने के बाद यहाँ से इसको कर लीजिए 40 के ऊपर, दोनों पे 40 हो जाएगा ये, फिर यहाँ से इसको ओके कर दीजिए, जो भी आपके यहाँ पे आया है इसको रहने दीजिए। फिर आपके देखिए यहाँ से सेलेक्ट रहेगा ये, नहीं है तो यहाँ पे सेलेक्ट रीजन पे जाइए, फिर इसको माउस के फर्स्ट क्लिक को दबा के इतनी देर का जो एरिया है इसको कीजिए, फिर यहाँ से सेकंड क्लिक दबा के क्रॉप कर लीजिए इसको। यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट क्लिक दबा के एरिया सेलेक्ट करना है, फिर आपको सेकंड क्लिक दबा के क्रॉप करना है। ये एरिया हो गया आपका फर्स्ट साइड, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लेके आनी है अपनी सेकंड साइड को, सेकंड साइड के लिए हम वापस पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम पे जाएंगे, और यहाँ पे स्कैन टू जो हमने ओपन किया था इसको यहाँ से ले लें और वापस रिसाइज करनी है। सेम प्रोसेस होगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पेंट आप सब यूज़ करते ही होंगे, समझ में आपको भी आ गया है, बस आपको बताया तो मैं वीडियो बना ही लिया हमने। ये देखिए ऊपर ले आइए इसको, थोड़ा ऊपर लाने के बाद इस एरिया को यहाँ पर छोड़ दीजिए, वापस आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर रखना है इसको, और ये वाला एरिया है आपको इस बार पहले आपने यहाँ था क्रॉप, इस बार क्या आपको कट कर लेना है यहाँ से। कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। अब पेस्ट क्या है, इसके जस्ट नीचे ही कर लीजिए आप, क्योंकि आईडी कार्ड में हमें यही करना है। फिर इस दोनों एरिया को यहीं पे छोड़ दीजिए आप।
अब टोटल आपको इस साइड में जो भी आपका ब्लैक हो गया है सबको मिटाने के लिए एक क्लियर फोटो बनानी है आपको। तो इस बार इस पूरे एरिया को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम नीचे से जाते हैं और ऊपर तक का एरिया है यहाँ से जाते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका आईडी कार्ड तैयार। अभी आप इसको इतनी साइज़ की फ़ोटो बना लीजिए। एक बार फिर से आप इसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो ये एरिया पूरा कीजिए सेलेक्ट और यहाँ से कीजिए इसको कट, फिर आप इसको कीजिए पेस्ट। अब अपने हिसाब से इसको सेंटर में ले आइए। ये आपका आईडी कार्ड हो गया तैयार। ये इमेज है, यहाँ से आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद इसको आराम से अपने क्लाउड स्टोरेज पर डाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा होता है Q&A एपिसोड ख़त्म। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, उन्होंने मेरे से ऑयल की इंक पूछी थी। ऑयल जो मैंने आपको बताया था ऑयल बेस्ड इंक को मैंने वहाँ पर ध्यान दिया, ऑनलाइन मुझे नज़र आया। तो देखिए ऑयल बेस्ड इंक मैं भी ऑनलाइन देख रहा हूँ, ऑनलाइन में मिली नहीं, मैंने काफ़ी वेबसाइट अब तक चेक कर ली है। मैं भी अपने लिए वही ऑर्डर करने वाला था लेकिन मिली नहीं मुझे, इसलिए मैं प्रोडोट की कंपनी की यूज़ भी कर चुका हूँ, प्रोडोट की अभी नहीं कर रहा हूँ। वो भी ठीक आती है लेकिन जो गो कलर वाली इंक जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे काफ़ी बेटर लगी और उसमें भी मैं प्रॉब्लम कोई फेस करने को मिली नहीं, ना मेरी इंक सूखी है। तो आप वो यूज़ कर लीजिए, लिंक है आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और CIWS किट की भी। तो क्या है कि आप फिर वहीं पे, हम आपको कमेंट में पेस्ट करना सही नहीं रहता इंक, यहीं पे आपको मैं कर देता हूँ इसकी लिंक। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।